हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी एंड आज की वीडियो में ना मैं अगेन आपके संग न्यू वैकेंसीज के बारे में बात करने वाली हूँ। थंबनेल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या क्या बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं थंबनेल पे ही मेंशन कर ही देती हूँ ताकि आप लोग को आइडिया मिल जाए कि इस वीडियो में क्या होने वाला है और आप वीडियो को वॉच करें। इसलिए मैं ज़्यादातर थंबनेल पे ही बाकी डिटेल्स डाल दिया करती हूँ। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, TCS की वैकेंसी के बारे में बात करें। यहाँ पर बल्क हायरिंग हो रही है गाइस, अगर अभी तक नहीं अप्लाई किया ना तो फटाफट से अप्लाई कर लेना। बहुत बच्चे हैं जो नहीं अप्लाई किए एंड बहुत बच्चे भी न्यू ज्वाइन हो रहे हैं हमारे चैनल के साथ। तो जितने भी बच्चे न्यू ज्वाइन हो रहे हैं ना, वेलकम, आपका मेरे इस ब्यूटीफुल फैमिली में स्वागत है। आई विश कि आपको ये मेरी फैमिली बहुत पसंद आएगी एंड मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली का कि मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ये चीज़ मैं कल से देख रही हूँ एंड सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हर कोई एक दूसरे की हेल्प करने में लगा हुआ है, हर कोई एक दूसरे की हेल्प कर रहा है ताकि हर कोई कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो जाए। जॉब नहीं लगती है ना तो बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। एक तो होता क्या है कि अगर हम ग्रेजुएट हो जाते हैं तो फिर लोगों की तरफ से सुनने को मिलने लगता है, अब तुम ग्रेजुएट हो गए, अभी तक तुम्हें जॉब नहीं मिला, क्या कर रहे थे तुम लोग कि अभी तक तुम्हें जॉब नहीं मिला, यानी कि तुम्हारे कॉलेज की पढ़ाई अच्छी नहीं थी, चीटिंग करके पास हुए होगे इसलिए तो तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है। मतलब कि कहा जाए तो बहुत सारे ताने मिल जाते हैं, बस ग्रेजुएट होने की देरी होती है और ताने हमारे लिए बने बनाए रखे होते हैं और बस हमें मिलना शुरू हो जाता है। सिर्फ एक जगह से नहीं, बहुत जगह से हमें ताना मिलना शुरू हो जाता है। और सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है कि जब आपके अपने आप को सुनाना शुरू कर दें, तो ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसलिए कहती हूँ कि हमेशा एक दूसरे की हेल्प करें, कोशिश करें कि हर कोई कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो जाए। जितने भी आपके साथ हैं सबकी हेल्प कीजिए ताकि हर कोई कहीं ना कहीं प्लेस्ड होते जाए, ठीक है। ये जो मेरी छोटी सी फैमिली है यूट्यूब फैमिली, मैं पहले तो नहीं कभी स्टार्ट की, बट हाँ अब आप लोग से मैं कनेक्ट हो रही हूँ। मैं जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप सभी कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो सके। मैं जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से जितना कर सकती हूँ, मैं अपने काम के साथ साथ आपकी भी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग भी कहीं ना कहीं हो जाए, ठीक है। तो ये मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ और आप भी साथ दें। अगर हम दोनों लोग मिलकर कोशिश करेंगे तो 101% आप सभी प्लेस्ड कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी ये ब्यूटीफुल जो फैमिली है ना, यूट्यूब फैमिली जो ब्यूटीफुल सी बनी हुई है ना, इसमें आप शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जितने लोग हैं हर कोई आपके साथ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले अगेन न्यू वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पर TCS की हायरिंग। मैं यहाँ पर ना एक एक करके वीडियो बनाऊँगी, चार या पाँच है तो मैं अलग अलग देखूँगी। अगर वीडियो ज़्यादा छोटी रहती है तो मैं दो कर दूँगी कंबाइन, अदरवाइज एक ही कर दूँगी, क्योंकि मैं बहुत डिटेल मुझे एक्सप्लेन करना, क्योंकि बहुत बच्चे न्यू हैं उन्हें आइडिया नहीं है और मुझसे वो लोग कह रहे हैं मैम थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि हमें जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आराम से एक्सपेंड करके बताऊं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो करना पड़े, ठीक है। एंड प्लस आप मेरे चैनल को अपने चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ या फिर आपके जो भी कलीग्स हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी मेरी यूट्यूब की एक छोटी सी फैमिली बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो है TCS की तरफ से हायरिंग। इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी कल अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया था एंड अभी मैं यहाँ पर वीडियो शूट करी। कल रात ज़्यादा हो गया था तो इस वजह से मैंने कल रात में नहीं किया, मैं कल रात में सो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो TCS तरफ से हायरिंग हो रही है, बल्क हायरिंग हो रही है, नहीं अप्लाई किया तो फटाफट से अप्लाई कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मुझे TCS लिखना था, मैंने जेंसर कर दिया है, कोई ना, आप यहाँ नीचे आ जाओ। यहाँ पर देखो, ठीक है, कंपनी का नाम क्या है TCS, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर लोकेशन आपको जो है पेन इंडिया, मतलब कि इंडिया में कहीं पर भी आपको मिल सकता है, चाहे बेंगलुरु कह लो, पुणे कह लो, दिल्ली कह लो, मुंबई कह लो, कोई भी लोकेशन आपको मिल सकता है, ठीक है। आपसे पूछते भी हैं वो लोग कि आपको कौन सी लोकेशन चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग 3 लोकेशन बताना होता है। आप जब इंटरव्यू दोगे उस दौरान ही HR राउंड के दौरान आपसे लोकेशन पूछे जाते हैं, तो आपको वहाँ पर 3 लोकेशंस बताने होते हैं। आप जो 3 लोकेशन बताओगे ना उसमें जो फर्स्ट बताओगे ना आपको वही वाला मिल जाएगा। इसीलिए आपके नियर घर के पास जो हो सिटी, जो भी आपका लोकेशन लगे कि हाँ ये मेरे घर के पास है,
आप उन्हें ही चूज़ करें ताकि आपको पास में ही मिले, आपको आने जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। प्रोफाइल की बात करो तो यहाँ पर आपको सिस्टम इंजीनियर, एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर का रोल आपको मिलना है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर BCA, BSc, BVOC या फिर आपने ये किया है यहाँ पर BE BTech किया है, MEMTech किया है, MCA किया है, MSc किया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो BCA, BSc, BVOC, BE BTech, MEMTech, MCA, MSc वाले बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बैच की बात करूँ तो अगर हम BCA, BSc और BVOC की बात करें तो उस केस में आप अगर 2020 के हो, 21 के हो, 22 के हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर मैं BE BTech, MEMTech और MCA MSc के बारे में बात करूँ तो उस केस में अगर आप 2019 के हो, 20 के हो, 21 के हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख लेना, देख के ही अप्लाई करना, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन की, ठीक है। बैच मैंने बता ही दिया है जो कि अभी ऊपर डिस्कस की हूँ, बैच जो है 2019, 20, 21 एंड 22। जो बच्चे 2020 में पास आउट होने वाले हैं, 19 में हुए हैं, 21 में हुए हैं या 22 में हुए हैं, वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू यही होता है परसेंटेज का, क्योंकि बहुत बच्चों के क्या होता है ना, परसेंटेज कम होते हैं। तो यहाँ पर जो परसेंटेज रखा गया है BCA, BSc और BVOC के लिए रखा गया है वो 50% रखा गया है, ठीक है। जितने भी बच्चे BCA, BSc किए हैं या BVOC किए हैं तो उन लोग के लिए तो 50% है, ठीक है। जितने बच्चे 60% उनके लिए रखा गया है, जो कि बच्चे BE BTech, MEMTech, MCA MSc किए हैं, उन लोगों के लिए परसेंटेज 60% रखा गया। इट मीन्स कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन में आपको 60% होना चाहिए, ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। उसी तरह से BCA, BSc, BVOC के लिए आपका 50% होना चाहिए, किसमें किसमें, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में। आप अपना देख लीजिएगा कि कम ना हो। यहाँ पर बहुत बच्चे क्या करते हैं कि उन लोगों का 12th में कम होता है तो वो लोग क्या करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, ठीक है। और डिप्लोमा में उनके अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं लेकिन 12th में उनका कम होता है, तो क्या बच्चे, वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, परेशान ना हो। आप यहाँ पे अपना डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट होगा आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका डिप्लोमा है, डिप्लोमा अच्छे परसेंटेज, जैसे कि यहाँ BE BTech की बात करूँ मैं, BE BTech, MEMTech, MCA MSc की, तो इन लोग का मान लिया मैंने, एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ कि आपका 10th 12th में कम परसेंट है, ठीक है, 54% है, लेकिन आपने डिप्लोमा किया है जिसमें आपका 76% है, तो उस केस में आप ये सोच रहे हो कि क्या यहाँ मैं अप्लाई नहीं कर सकता? ऐसा कुछ नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा का मार्कशीट यूज़ कर लो, डिप्लोमा की मार्कशीट का यूज़ करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जॉब पा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बैकलॉग की बात करें तो यहाँ पे आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर आपका बैकलॉग है तो कोशिश कीजिएगा जब आपका ऑनबोर्डिंग होगा, यानी जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उस टाइम तक आपके जो ये है बैक है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पर जो सैलरी दी जा रही है वो आपको 3.5 LPA दी जा रही है, ठीक है। ये तो 3.5 BE BTech, MEMTech, MCA MSc के लिए है, लेकिन जो बच्चे BCA, BSc, BVOC किए हैं उन लोग के लिए 3.0 LPA, ठीक है, उनके लिए 3.0 LPA है, और BE BTech वालों के लिए 3.5 LPA, ठीक है। उसके बाद से बात करूँ कि कौन कौन से ब्रांच के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी होती है जहाँ पर सिर्फ CSIT मांगा जाता है या फिर CSIT इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा जाता है, बट TCS में क्या है ना कि आप किसी भी ब्रांच से हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, CSIT से हो, किसी भी ब्रांच से हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से हम बात करें यहाँ पर BSc की, तो BSc में अगर आप मैथमेटिक्स से हो, फिजिक्स से हो, स्टैटिक्स से हो, किसी भी ब्रांच से हो, कोई भी सब्जेक्ट लेके आपने पढ़ाई की हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं लिंक मैं आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जब उस पर क्लिक करोगे ना तो आप डायरेक्ट इसी पेज पे आओगे जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूँ आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर सबसे पहले होने वाला है आपका ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं आप तो उसके बाद आपका टेक्निकल राउंड होगा या फिर HR राउंड होगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ना BCA, BSc और BVOC के लिए, BCA, BSc एंड BVOC के लिए। इनके लिए क्या है कि आपका सिर्फ एप्टीट्यूड रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ आपको एप्टीट्यूड देना है। बट अगर मैं BE BTech, MEMTech, MCA MSc की बात करूँ तो उनके लिए क्या है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर एप्टीट्यूड तो देना है, साथ में आपको टेस्ट ऑफ नॉलेज, यहाँ की वहाँ पर 10 MCQ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर बेस्ड होते हैं,
और उसके बाद से आपके दो कोडिंग होते हैं, ठीक है। तो ये रहते हैं बीटेक वालों का। बीटेक वालों का थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए उन लोगों के पैकेज भी हाई है। लेकिन बीसीए बीएससी बीवॉक के लिए सैलरी 3 LPA है, बट उन लोगों का पैटर्न भी बहुत ईजी होता है, आप आराम से क्रैक कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आप एग्ज़ाम कैसे क्रैक करोगे, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रीवियस के जो भी अभी एग्ज़ाम हुए हैं, सभी एग्ज़ाम्स पीडीएफ फॉर्म में पेपर मिल जाएंगे। आप उन पेपर को लीजिए, सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका पेपर क्लियर हो सके, ठीक है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए प्रॉफिट होगा कि आप इजीली अपना एग्ज़ाम खुद से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स जो कि आपको समझ आ गई होंगी, अब देखते हैं अप्लाई कैसे करते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। बहुत बच्चे ये कहते हैं कि मैम डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, ये बहुत सिली सा क्वेश्चन है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ यही नहीं पता है। तो मैं बता दूँ आपको, जहाँ पर ये डिटेल्स लिखी होगी टीसीएस हायरिंग, उसके बगल में ना इस तरह से एरो बना होगा। आप उस एरो पर जब क्लिक करोगे तो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पूरा खुल जाएगा और वहाँ पर मेरी सारी डिटेल्स लिखी होंगी, ठीक है। मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, मुझे शायद इंस्टा पर किसी ने पूछा था कि कहीं, तो किसी ने पूछा था, बट हाँ किसी ने पूछा था मुझसे, इसलिए मैं बता रही कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, आप नीचे देख सकते हो। वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको मेरा डिटेल्स दिख जाएगा, वहाँ पे लिंक दी होंगी। उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इसी पेज पे आओगे। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ नीचे आना, तो यहाँ पर नीचे जब आओगे ना तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ पर दो लिंक प्रोवाइड की हुई है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। पहला लिंक तो आपका ये है जो कि आप देख सकते हो, ये किसके लिए है, बी सी बी एस सी बी वॉक के लिए है। लेकिन ये सेकेंड लिंक जो है वो किसके लिए है कि बी बी टेक एम ई एम टेक और एम सी एम एस सी वालों के लिए, ठीक है। तो अगर आपने बी बी टेक एम ई एम टेक एम सी एम एस सी किया तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, अगर आपने बी सी बी एस सी बी वॉक किया है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए लिंक, आप इस पर जब क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट पोर्टल खुलेगा जहाँ पर आपको अप्लाई करना है, वो भी मैं दिखा देती हूँ कि कैसे खुलेगा, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ, पहले ये मैं बी सी वालों का करके दिखा रही हूँ, इस पर क्लिक किया तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ पे कर देना है। उसके बाद से आपको नीचे आना है, सारी डिटेल्स मैंने बता ही दिया कि कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो पैटर्न भी दिया हुआ है जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, आपका टेस्ट पैटर्न कैसे होने वाला है, जहाँ पे वर्बल के 24 क्वेश्चन होंगे 30 मिनट दिया जाएगा, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे 50 मिनट दिए जाएंगे, न्यूमेरिकल में आपके 26 क्वेश्चन होंगे 40 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ईजी होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बेसिक आपके फॉर्मूले पे ही होते हैं। अगर आप सारे फॉर्मूले को याद रखे हो, अगर आपको सभी फॉर्मूले याद हैं, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इजीली पेपर क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर रजिस्टर नाउ का बटन है, आपको सिंपल क्या करना है ना, इस बटन पर क्लिक कर देना है। ये बी ई बी टेक एम ई एम टेक एम सी एम एस सी सभी के लिए है, ठीक है। आपको यहाँ क्या करना है, देखिए आप, मैंने मोबाइल से कर रही हूँ तो यहाँ दिखा रहा है कि ये मोबाइल से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं आप लोग से यही कहूँगी कि आप लोग मोबाइल से मत करिए, आप लोग लैपटॉप से कीजिएगा, इनके एप्लीकेशंस को फॉर्म, इनके जो भी फॉर्म है उनको फिल करने के लिए। आप जब लैपटॉप में खोलोगे ना तो आपको एक विंडो आएगा जहाँ पर इधर लिखा रहेगा आईटी, इधर लिखा रहेगा बीपीएस, ठीक है। आपको आईटी में जाना या बीपीएस में जाना वो आप चूज़ कर सकते हो, जो भी चूज़ करोगे उस पर क्लिक कर दोगे, वो विंडो खुल जाएगा। उस विंडो को खुलने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना होगा, आपका नाम, आपका पता, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद से आपके एड्रेस और आपका कितना परसेंटेज है, और यही सारी चीज़ें फिल करनी होती है, और आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। फ़ोन नंबर पर कोड भी जाता है वेरीफाई करने के लिए, ईमेल पर भी कोड जाएगा। उसके बाद से आप सबमिट करोगे तो आपको एक कोड जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। वो कोड आपका किस फॉर्म में होगा, या तो DT फॉर्म में होता है या फिर CT फॉर्म में होगा, ठीक है। आपको जो कोड मिलेगा ना उसे संभाल के रखिएगा, और यहाँ पे जो आप पासवर्ड सेट करोगे उसे भी याद रखना, क्योंकि आगे जो भी प्रोसेस होगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो उसके आगे जो भी प्रोसेस होंगे ना, वही फॉर्मूले कह रही हूँ, वही जो आपके पासवर्ड होंगे वही आपका काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए अपने पासवर्ड और इस आईडी को संभाल के रखिएगा। आप इसे कॉपी में लिख के रख सकते हो या फिर अपने मेल पे ही इसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपके पास एक स्टोर करके रखा जाए, ताकि आपको जब जरूरत पड़े तो आप उसे एक्सेस कर सको, ठीक है। ऐसे ही फॉर्म फिल करना, आप लोग फॉर्म फिल करके देखना, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पर्सनल कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी, टेलीग्राम की डिटेल, सभी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको लगता है नहीं हो रहा है तो आप मुझे मेल करना, मेल से भी अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही, क्योंकि थोड़ी सी बिजी रहती हूँ, अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ तो आप मुझे इंस्टा पे कर सकते हो, या फिर मुझे टेलीग्राम पे कर, कहीं भी कर देना, या फिर नीचे कमेंट में भी कर सकते हो आप,
मैं जब देखूंगी तो आपको रिप्लाई कर दूंगी। अगर अगर किसी का फॉर्म नहीं फिल होता है तो आप मुझे बताना, मैं उनका खुद ही फॉर्म फिल कर दूंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटेल्स में हैं। आई विश आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई चीज़ रह गई है, आपको नहीं समझ आ रहा है, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको हेल्प कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।